नमस्कार। ट्विन फ्लेम ड्रीम्स बिफोर रीयूनियन किस तरह से रहते हैं? जी हाँ, रीयूनियन से पहले किस तरह के ड्रीम्स आपको दिखाई देते हैं? एक्चुअली एस्ट्रल प्लेन में भी आप ड्रीम देख सकते हैं। फर्स्टली बिकॉज ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट और एनर्जी बॉन्ड यू शेयर विद योर ट्विन फ्लेम, देयर इज ऑलवेज अ साइकिक कनेक्शन बिटवीन यू एंड इवन इफ यू आर माइल्स अपार्ट, जितने भी दूर हैं तो भी। कई लोग ये कहते हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की दूरी भाग जाते हैं, हमें ये सब पेन नहीं चाहिए। आप दूर देश में भी भाग जाएं ना तो भी आप उनके मैसेजेस, उनके सिग्नेचर, उनके हर तरह के जो आपके माइंड में चलता है ना, जो टेलीपैथिक कनेक्शन है, वो ड्रीम्स के थ्रू भी आप जान सकते हैं। क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू फ्रीक्वेंट एनर्जी को आप पूरी तरह से पहचान सकते हैं। बेसिकली ये जो ड्रीम होते हैं ये उनके हायर सेल्फ से आपकी तरफ आते हैं, और रीयूनियन से पहले, और ये कहें कि जब तक आप ट्रू अनकंडीशनल लव में नहीं आ जाते हैं ना, तब तक ये सब बातें आपको क्लियर नहीं होंगी। ट्रू अनकंडीशनल लव आपका अपने ट्विन फ्लेम से या अपने काउंटर पार्ट से होता है सबसे ज़्यादा। बाकी तो दुनिया में जैसे लोग हैं उसके साथ उस तरह से बिहेव किया जा सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप अपने साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू और ड्रीम्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि आपका काउंटर पार्ट आपको कहाँ लेके जाने वाला है, किस तरह की बातें करने वाला है, कन्फर्मेशन देगा कि नहीं, कमिटमेंट देगा कि नहीं, ये सब कुछ बातें उसमें आ जाती हैं। ड्रीम्स सिग्निफाई करता है कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन जस्ट होने वाला है कि नहीं, क्योंकि रियल साइकिक वर्ल्ड में यह आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिली जाती है। तो क्या ये साइकिक रीडिंग या साइकिक जो आपके ड्रीम्स हैं इन पर विश्वास करना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रियलाइज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम ड्रीम्स। सबसे पहला है कि द ईगो ड्रिवन ड्रीम्स, जिसमें कि पहली बात तो यही है कि वो उनका ईगो एंटायरली ख़त्म होगा, 100% नहीं बट हाँ 95-99% तक तो जा ही सकता है। आपके लिए जितना भी ईगो रखा था उन्होंने, या उनकी तरफ से किसी भी तरह की एंग्जाइटी या वो सब था, एक तरह से वो सुप्तावस्था में थे, नाउ ही हैज़ बीन अवेकन अप, इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जैसे कि आपको ड्रीम में दिखाई देता है कि वो कुछ हर्टफुल कर रहे हैं, कुछ जैसे किसी ने पूछा भी था कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि ईगो के कारण या ड्रीम में आपका ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है? जी हाँ, वो ट्रिगर करता है। वो अलग अलग तरह की बात है, अलग अलग सिचुएशन की बात है कि इस समय में आपका सिचुएशन क्या चल रहा है, सेपरेशन है या सेपरेशन के दौरान छोटी मोटी बातें हो भी रही हैं कि नहीं, या जस्ट किसी थर्ड पर्सन के अलावा, यानी कि कोई आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है उसके बीच में आप आ रहे हैं, उनको खबर आपको भी मिल रही है, आपकी खबर उनको भी मिल रही है। तो ईगो का जो डेथ वाली एनर्जी है वो आपको आपके ड्रीम के थ्रू दिखाई दे जाएगी कि हाँ वो आपसे बैक कर रहे हैं या समथिंग रो रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। ईगो ड्रिवन होता है, लेकिन ईगो ड्रिवन में कसम टाइम अधिकतर जो है ना इसी तरह का आता है कि फियर बेस्ड एनर्जी होती है, फियर बेस्ड एनर्जी से वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा भी देखा जाता है। मेरी सर्विसेज एंड फी जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। अगर वीडियो में नए हैं तो धन्यवाद। ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस की जानकारी पाने के लिए लव इनफाइनाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन एक क्लिक की दूरी पर है तो कीजिएगा जरूर, थैंक यू। तो दूसरे तरह का रियल ड्रीम क्या है? तो रियल ट्विन फ्लेम के ड्रीम क्या है, वो इस तरह से रहते हैं कि आप पहचान जाते हैं, आपका गट फीलिंग और ड्रीम के थ्रू आप पहचान जाते हैं कि यस ही इज और शी इज माई ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन फ्लेम कुछ होता नहीं है, ठीक है, समटाइम हमें फीलिंग आ जाती है, बट वो फॉल्स का आप टैग नहीं लगा सकते हो किसी एक इंसान पर, ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ऐसा टैग नहीं लगा सकते, बस ये ऐसा बोला जाता है मेटामॉर्फिकली, आप इस चीज़ को समझ सकने के लिए। तो ये आपका जो ट्रू डायमेंशन होता है, जो 5D डायमेंशन होता है, ये ट्रू ट्विन फ्लेम का जो रियल ड्रीम आता है आपको, वो समटाइम्स डीप सैडनेस वाला रहता है, एक सॉन्ग्स के थ्रू हो सकता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्विन फ्लेम ड्रीम्स when you are separated from your twin flame, your soul is bound to reach out, एक दूसरे से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए जुड़ी हुई होती है, हारमोनाइज यूनियन के लिए आपको पहचान में आता है कि हाँ ये ड्रीम है। समटाइम आप यही शादी वाला ड्रीम भी आप देखते हैं कि यस मेरा ट्विन फ्लेम से शादी है, या वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज मुझसे शादी करोगी क्या। तो इसी तरह के सिम्बल्स हैं, एंजल नंबर्स हैं और सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, और ये चीज़ आपको रियल लाइफ में, 3D वर्ल्ड में, वेकिंग आर्स में आपको देखने को मिलता है। मतलब जागृत अवस्था में आप देखते हैं कि सपने में मैंने ये देखा था और आज वैसा हो गया, ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं लेकिन वो ऐसा हो गया, मैं इस सिटी में हूँ, वो माइल्स अपार्ट सिटी में है, मैं सोच ही नहीं सकती
आपकी, आप डिवाइन फेमिनाइन है ना, तो आप ये कहेंगे मैं सोच ही नहीं सकती कि वो कभी सिर्फ मेरे से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर दूर फ्लाइट करके मेरे से मिलने आएंगे, इतना तो ईगो उनमें है, इतना तो उनके अंदर सबर नहीं है कि मुझसे मिलने आएंगे। आपने उनको जस्ट लेट गो कर दिया, आपने कहा कि चलो छोड़ो, वो दूर भी हो गए, चलो छोड़ो, नहीं मिलना है, हम अपने लिए काम करेंगे। इनर वर्क किस लिए करना है, जरूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम है तो ही इनर वर्क करना है, एवरीबॉडी कैन डू इनर वर्क। क्यों? क्योंकि इनर वर्क में क्या है कि आप अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने जैसे अपने लिए काम करना शुरू करा और आप खुद देखेंगे कि इतनी दूरी तय करके वो जस्ट आपके पास आने के बाद जस्ट कोई होटल बुक कर लिया और वो कहेंगे कि प्लीज मुझसे मिलो क्योंकि मैं तुम्हारे ही सिटी में घर के आसपास हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूँ या आई हूँ। ये रियली होता है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, मेल हो या फीमेल, वो दौड़ भाग के वापस जरूर आते हैं। मैं अपने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकती हूँ, जब सोचा ही ना हो ना सेपरेशन हो कि ये वापस आ सकते हैं कि नहीं, तब ये ज़रूर वापस आते हैं और ये घुटने के बल पर आते हैं और सच में आते हैं, वो सच में कन्फेस करते हैं उस समय। लेकिन आपके अंदर अगर गुस्सा भरा पड़ा हो कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ठीक है आप गुस्सा निकाल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप गुस्सा ना निकालें, इट्स ओके। मैंने भी 2 महीने तक इतना सुनाया था, 18 साल की जितनी भी मेहनत थी मेरी और मुझे फॉर ग्रांटेड लिया गया था, तो मैंने ऐसा सुनाया, लेकिन वो कभी भी रिप्लाई गलत नहीं किया, बस सुनते ही रहे। तो ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन के साथ एंड डिवाइन फेमिनाइन के साथ ज़रूर रहता है। तो रीयूनियन से पहले जो भी आप ड्रीम या सिंक्रोनिसिटीज या सिम्बल्स आप देखते हैं, ये रियली मायने रखता है, ये मीनिंगफुल होता है। उसी लिए कहती हूँ कि जनरल राइटिंग करें, ड्रीम राइटिंग करें, बहुत बहुत फ़ायदा होता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से दोबारा मिलेंगे ना, और मिलते हैं, इस चीज़ की गारंटी है, मिलते हैं, तो अब आप मिलेंगे ना तो आप कहेंगे कि इस समय पे मैंने ये ड्रीम देखा, वो तुरंत कहेंगे कि हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ देखा था। वट एवर, नॉट ओनली फिर मैरिज या स्टेज पर हैं, मतलब बेड पर हैं या किसिंग है या समथिंग कुछ ऐसा, ये ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलता है। ये साइंस आपको रियली देखने को मिलते ही हैं कि 3D वर्ल्ड में रियूनियन होने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं अरे वो तो मैरिड हैं, वो कहाँ से मुझे छोड़ेंगे, और मैं तो यहाँ पर उन्हें छोड़ेंगे, और मैं तो यहाँ अनमैरिड हूँ। कुछ भी हो सकता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे क्लाइंट्स के, ये सच में होता ही है। तो चलिए मिलते हैं, आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। मेरा हुआ, आपका भी जरूर होना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।